मास्कचा वापर करा, कोरोनाला देऊ नका थारा। आता बातमी आहे उस्मानाबाद जिल्ह्याची। उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कोरोना हॉटस्पॉट बनलेल्या उमरगा शहरातील औद्योगिक वसाहतीत तेलंगणा नागरिकांची राहण्याची सर्वतोपरी सोय उमरगा प्रशासनाने केली असूनही तेथील तेलंगणा नागरिकांनी कोणालाही न कळवता अचानक रात्रीतून पायी पसार झालेली घटना चर्चेत येते आहे। पण काय आहे खरी परिस्थिती जाणून घेऊया उमरग्यातून आमचे प्रतिनिधी सचिन बिद्री यांच्या या स्पेशल रिपोर्ट मधून। खरच उमरगा प्रशासन, खरच उमरगा पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासन चुकलं का? खरच आम्ही कुठं चुकलो का? तमिळनाडूचे तेलंगणाचे जे 450 नागरिक मुंबईहून आले, एक महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरती अडकले, त्या ठिकाणी कर्नाटक पोलिसांनी त्यांना नाकारलं, स्वीकारण्यास घेण्यास स्पष्ट नकार दिला, त्यावेळेस त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी उमरगा महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने त्यांना औद्योगिक उमरगा औद्योगिक वसाहतीमध्ये आणून ठेवलं। खरंच आपण चुकलो का? खरंच उमरगा प्रशासन चुकलं का? विचार करण्यासारखी बाब आहे। महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे आणि आपण जे काही पाहुणे आहेत, पाहुण्यांना एक पाहुणचार म्हणून आपण त्यांचं या ठिकाणी गेल्या 15 ते 18 दिवसापासून त्यांचे व्यवस्थापन करतोय। 2 वेळेस त्यांना गरम जे काही भात आहे, दालचे आहे, एक चांगल्या उत्कृष्ट प्रतीचं आपण जेवण देतोय त्यांना। एवढंच नव्हे तर 2 दिवसापूर्वी कपडे सुद्धा पुरवलेत। खरंच उमरगा प्रशासन चुकतंय का? या दरम्यान त्यातील जे तेलंगणा रहिवासी आहेत त्यांच्यामध्ये एक ओढ लागलेली आहे, कारण साहजिकच आहे ते एक मजूर कामगार होऊन आहेत, गेल्या 18 दिवसापासून एकाच ठिकाणी आहेत आणि त्यांना त्यांच्या घरी मायदेशी जे त्यांचे लहान लहान मुलं आहेत, मुलं बाळ आहेत, त्यांची काळजी लागून राहिली। त्या काळजीपोटी, त्या मुलांच्या संगोपनाच्या भीतीपोटी ते अचानक इथून निघणं जाण्याच्या गेल्या अनेक दिवसापासून त्यांची मनस्थिती निर्माण झाली होती। अशा मनस्थितीमध्ये पण उमरगा तहसीलदार असो, उमरगा प्रशासन असो, त्यांना समजून सांगत होतं की बाबांनो तुम्ही इथंच राहा, तुमची जे काही व्यवस्था आहे ते पूर्णपणे केली जाईल। त्यांचे कधी कधी ते रागानं बोलणार, कधी अश्रू घालणार, कधी इमोशनल बोलणार, अशा परिस्थिती त्यांना आपण सांभाळ करण्याचा प्रयत्न आटोकाट करत होतो। खरंच उमरगा प्रशासन चुकलं का? 24 तास उमरगा पोलीस प्रशासन रस्त्यावर कडेकोट उन्हामध्ये आपलं ड्युटी करत आहे। डॉक्टर त्यांच्या वैद्यकीय हॉस्पिटलमध्ये काम करत आहे। कोणासाठी करत आहे? आपल्या सर्वांसाठी करत आहे। खरंच आपलं उमरगा प्रशासन चुकतंय का? ही सर्व बाजू पाहता अचानक एकाएकी असं घडलं की 2 दिवसाच्या टप्प्याटप्प्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये येथील लोक निघून गेले। त्याच्या पाठीमागे काय कारण आहे ते मी तुम्हाला आता सांगितलं की त्यांच्या मुलं बाळ जे आहेत, प्रत्येकाला वाटतं की माझ्या मुलाची जास्त काळजी प्रत्येक जण करत असतो, त्याच भूमिकेमध्ये ते लोक काही प्रमाणामध्ये निघून गेले आणि काल जे काही शिल्लक उरले ते थोडंफार निघून जाण्याच्या प्रयत्नात होते। तरी सुद्धा तिथे गेल्यानंतर त्यांना काय परिस्थिती त्यांना प्रशासनाकडून दिली गेली हे आपण आता जाणून घेऊया। आता नेमकं ही जे काही परिस्थिती घडून आलेली आहे याची पाठीमागे नेमकं सत्य काय, खरी ग्राउंड रिपोर्ट उमरगा शहरामध्ये नेमकं घडलं काय काल, ह्याची एक परिस्थिती आपण प्रत्यक्ष त्या तमिळनाडू नागरिकांच्या जुबानी ऐकून घेऊ। आता आपल्या सोबत इथं काही तमिळनाडू नागरिक आहेत, त्यांची काय मनस्थिती आणि त्यांच्यासोबत तमिळनाडू प्रशासनानं पोलिसांनी काय वर्तणूक दिलेली आहे हे आपण थोडं जाणून घेऊ। अच्छा, आप यहाँ पे पूरा आपको कोई तकलीफ नहीं? नहीं, इधर कुछ तकलीफ नहीं है, हम लोग आराम से आए। आप यहाँ पे क्यों नहीं रहना क्यों नहीं चाहते? गांव में बच्चे लोग आए, रो रहा है बहुत। अच्छा। इसके लिए गया, वो चोरता है। यानी वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको देखा नहीं? वो देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा। भाई लोग भी मारा, मार मार के टेम्पू चढ़ा दिया वो लोग को। अच्छा, आप जो तमिलनाडु गए, जो चलते गए यहाँ से? हाँ, चलते तो वहाँ पे उनके तमिलनाडु पुलिस या फिर जो कुछ भी प्रशासन है, तेलंगाना के जो प्रशासन है उनकी तरफ से आपको कैसा बर्ताव मिला? उन्होंने क्या कुछ भी नहीं मिला, वो कुछ भी नहीं मिला। क्या किया उन्होंने आपके साथ? कुछ नहीं किया, मारा शाम को। तुम्हारे को मारा? हम लोग को, सब लोग को, पूरा सब लोग को मार मार के टेम्पो चढ़ाए वो लोग, इधर लाके चढ़ के गया रात। एक आवर्जून या ठिकाणी तुम्हाला मुद्दा सांगायचा आहे मला,
हे तमिळनाडू तमिळनाडूच्या नागरिक आहेत, रहिवासी आहेत. गेला सॉरी तेलंगणा पाणी भी नाही दिया पिणे का पाणी देव बोले तो ऐसा ऐसा उपर से मारता डालता है पाणी मानसिकता हीच आहे का माणुसकी त्या तेलंगणा प्रशासनाची हे मुद्दा या ठिकाणी मी आवर्जून आपल्या सोबत सांगत आहे. तसेच माझ्यासोबत आणखीन काही नागरिक आहेत, एक मिनिट पाहूया आपण. सर आप क्या कहना चाहोगे, आप जो तेलंगाना के वहाँ पे जो तेलंगाना पुलिस हो या प्रशासन हो उनकी तरफ से किस तरीके से बर्ताव आपके साथ मिला है? हम लोग को उधर कुछ भी सारा नहीं मिला. सुबह गया, सुबह से पकड़ के वो कर्नाटक वाला बाउंड्री और तेलंगाना का नजदीक नजदीक था, कर्नाटक वाला छोड़ दिया, पाँच दस मिनट बिठाया और वो लोग पानी ला के दिया, बिस्किट ला के दिया, हम लोग को सब दिया, सब दे के तेलंगाना और कर्नाटक वाला बिस्किट खाना पीना सब दे के और भेज दिया, छोड़ दिया. उसके बाद में ये जो तेलंगाना वाला है ना, सुबह से शाम तक ऐसे मैदान में धूप में ही बिठाया वो लोग, सब लोग को धूप में बिठा के और बाद में है ना शाम को वो सब नाम लिख के लिया, दिन भर वही काम सबका नाम. ठीक है, आपको जो पानी या फिर कुछ भी खाना वहाँ पे मिला वो किस तरीके से दिया? किस तरीके से वो कैंटीन में से पोटली पोटली लाया था ऐसा दिया सब लोग को, हाथ दूर दूर फेंक के. ओके, और आपको सबको मारा गया हो तेलंगाना? वो शाम का टाइम हम लोग बोला हमारा तेलंगाना में हम लोग आया है, हम लोग नहीं जाएगा रिटर्न बोला. महाराष्ट्र वाला भी अभी इतना दिन खाना डाला, उनको बिना बताया हमारा बच्चे लोग रो रहा करके रात रात में चार दिन चल के आया हम लोग उधर से. फिर चल के आया तो तुम हमारा तेलंगाना में हम लोग को नहीं लेता है तुम लोग, हम लोग गांव नहीं जाएगा, गांव का बाहर रहेगा. जब भी वो अपना जो ये है ना, जब भी छोड़ने का सबको आएगा, जब भी छोड़ दो, जब भी घर में जाएगा भारी रहेगा. हमारा सरपंच से बात करो, सरपंच जो बात करेगा सरपंच भारी रखेगा ना, हम लोग को अंदर नहीं लेगा. तो तेलंगाना पुलिस क्या किया आपके साथ? कुछ भी नहीं किया हम लोग को, डायरेक्ट शाम को 6 बजे सबको मार मार के टेम्पो चला के इधर लाके छोड़ दिया. लेडीज को भी मारा गया? लेडीज को भी नहीं चढ़ा, लेडीज को भी मारने चालू किया. आपको तेलंगाना पुलिस ने किस तरह बर्ताव किया? आपको मारा गया? मेरे को मारा गया, पूरा पीठ का ऊपर मारा था, पूरा जा तू किधर आया ना उधर जाओ, पहला इधर रहने का नहीं, सेठ तेरा पांव पड़ता हूँ, 4 महीना रख इधर, खाना खाता हूँ इधर, तो नहीं 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 इधर रहने का नहीं, खाना नहीं डालेगा, चल पहला तू यहाँ से निकल. तू तर ही परिस्थिती आहे ज्या राज्यातील हे नागरिक आहेत, एक महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणून आपण एक संतांची भूमी महाराष्ट्र या नात्यानं आपण परराज्यातील नागरिकांना आपण पाहुणचार इथं करतोय. फक्त यांची जी मुलं आहेत त्या ठिकाणी त्यांच्या गावामध्ये अडकलेले आहेत, त्यांची जी काळजी करत हे नागरिक आपल्या प्रशासनाला न सांगता तिने पायी चालत जाण्याचा प्रयत्न केला, तिथपर्यंत कसे बसे पोहोचले, पण तेथील तेलंगणा प्रशासनानं काय यांच्यासोबत वर्तणूक केलेली आहे. डेट हो गया, हमारा डेट हो गया 14 तारीख डेट था, पहला 7 तारीख दिया था, बाद में 14 तारीख 14 तारीख हो गया. कागज नहीं चले, लेटर बताया, बोलते हैं तुम लोग जा है हम लेगा नहीं, तुम लोग मरो भाई क्या करो, हम लोग को खाना नहीं है तो तुम लोग को कहाँ से लाके दे? बराबर, ये तेलंगाना का कहना है, तेलंगाना हम लोग नालंदा वाला दे दिया, मुंबई को गया था और उधर से कोरोना हो गया करके एक दिन बंद कर दिया था, दो तीन दिन बंद कर दिया पूरा, तो हम लोग उधर से कैसा भी करके आ गया. हम लोग का बच्चा लोग ना हॉस्टल में डाला था, हॉस्टल में डाला तो बच्चा लोग को गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दिया, तो घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तभी कैसा भी करके बच्चा लोग को पालना, अभी पैदा तो किया, अभी कैसा भी जाके चल के भी जाके उसको पालने का करके हम लोग आ गया तो इधर का बाउंड्री वाला हम लोग को पकड़ लिया तो, और हम लोग इधर 10-15 दिन इधर ही रुक गया, तो इधर 18 दिन होगा, हम लोग 18 दिन होगा इधर, तो कोई तकलीफ नहीं कुछ, इधर खाना पीना सब डाल दिया हम लोग को, अच्छा बुरा साड़ी ब्लाउज और टॉवल आदमी लोग को सब दे दिया, तो हमारा पूरा ड्यूटी हो गया था इधर, तो हमारा डेट होगा चेक किया, तो हम लोग अभी जाएगा उधर जाके पहाड़ी पे भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन बच्चा लोग का हम लोग खाली मुँह देख लेगा तो हम लोग ठीक है, बच्चा लोग कोई सर दर्द होगा तभी कोई ऐसा गोली देने वाला नहीं है, बच्चा लोग को हम लोग पैदा किया तभी तो बच्चा लोग हो गया ना,
अत्यंत हृदय स्पर्शी यांची कथा आहे। मी या माध्यमातून तमिल जे काही तमिळनाडू गव्हर्नमेंट आहे, तेलंगणा गव्हर्नमेंट आहे, त्यांना आवर्जून या ठिकाणी विनंती करू इच्छितो की हे जे नागरिक आहेत, दीज ऑल रेसिडेंट्स आर फ्रॉम युअर स्टेट, सो प्लीज एक्सेप्ट देम एज सून एज पॉसिबल सर। हे जे काही रेसिडेंशियल आहे, जे काही नागरिक आहेत, हे आपल्या राज्याचे आहेत, यांची खूप निकट परिस्थिती आहे आणि यांचं एकच कारण आहे की त्यांचे जे मुलं आहेत तुमच्या राज्यामध्ये, तुमच्या त्यांच्या गावामध्ये, त्यांची त्यांना काळजी लागून राहिली आहे, त्यामुळे यांना त्यांच्या घरी परतायचं आहे। आणि विशेष त्यांनी स्वतः मान्य करतात की घरामध्ये नाही तर गावच्या बाहेर जिथं तुम्ही शेड मारून द्याल तिथं राहू, पण आमच्या मायदेशी आपल्या स्वतःच्या गावी परतण्याची त्यांची इच्छा आहे। आणि हे कळकळीने यांची विनंती आहे आणि या निमित्तानं मीही तेलंगणा प्रशासन आवर्जून सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की गेल्या 18 दिवसांमध्ये या लोकांचं जे परप्रांतीय आपल्याकडे अडकलेले आहेत त्यांचे महसूल प्रशासन, उमरगा महसूल प्रशासन, पोलीस प्रशासनातर्फे जे काही अटोकाट संगोपन करण्याचा प्रयत्न होता, या ठिकाणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतले, त्यामध्ये आवर्जून दिग्विजय शिंदे यांनी त्यांच्या परीने काही अन्न देण्याचा प्रयत्न केला, तर भारतीय जनता पक्षाचे जे हर्षवर्धन भैया चालुक्य आहेत त्यांच्या परीने या 450 लोकांना चादरी वाटप करण्याचं काम केलं, त्यामध्ये शिवसेनेचे जे युवा नेते किरणजी गायकवाड, विद्यमान आमदार, म्हणजे एकंदरीत सांगायचं की मला आपल्या तालुक्यातील प्रत्येकाने आपल्या परीने यांच्यासाठी एक माणुसकीचा धर्म पाळगत यांच्या संगोपनाचे आटोकाट प्रयत्न केलेले आहेत। आता हे सर्व परिस्थिती पाहिल्यानंतर एक नजर आपण मुंबई येथे वांद्रे येथे येथून जे काही बातमी समोर येते, एनटीव्हीच्या हाती जे एक रिपोर्ट लागलेला आहे ते आपण नजर घालूया, एक नजर हे नजर रिपोर्टर पाहू। हा व्हिडिओ पहा, मुंबई येथील वांद्रे स्थानकासमोरील दृश्य आहे। हा व्हिडिओ काल 14 एप्रिल रोजी प्राप्त झाला असून केवळ अफवांवर विश्वास ठेवत जवळपास 3000 लोक एकत्रित रस्त्यावर उतरले होते, तर यामुळे सोशल डिस्टन्सचे 3:13 वाजले होते। येथील पोलीस प्रशासनानं खूप आटोकात प्रयत्न करत यांना आवरलंय, पण अशी परिस्थिती तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात अद्याप उद्भवली नाहीये आणि भविष्यात उद्भवणार देखील नाही, कारण उस्मानाबाद जिल्हा प्रशासन जेवढं सजग आहे तितकंच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नागरिक देखील जागरूक आणि प्रशासनाला सहकार्य करणारे आहेत। मला एवढं सांगायचं आहे की हे जे काही नागरिक आहेत ते तुमच्याच राज्याचे आहेत, त्यांच्यासोबत एवढा दुरावास करू नका, यांना जे काही माणुसकीचा धर्म आम्ही उस्मानाबाद जिल्हा प्रशासन, उमरगा तालुका प्रशासनातर्फे केलं जात आहे आणि आम्ही करणारच, त्यामध्ये आम्ही एक टक्काही मागे पडणार नाही, पण तुम्ही पण तुमचा एक माणुसकीचा धर्म पाळणं अतिशय गरजेचं आहे। जसं की या नागरिकांनी बोललेले आहेत की तुमच्याकडून म्हणजे तेलंगणा प्रशासनाकडून काय आणि कशा पद्धतीची वागणूक या नागरिकांना भेटलेली आहे, आवर्जून मला सांगावं असं वाटतं की तेलंगणा प्रशासनानं तत्काळ याची नोंद घ्यावी आणि तत्परतेनं या नागरिकांना आपण। आता एक नजर टाकूया तेलंगणा पोलीस प्रशासनाचं काय म्हणणं आहे या विषयावर। सर प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट युअर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं करनकोट SI, तुकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, संतोष में। ओके सर, अभी मैं जानना चाहूंगा ये जो पब्लिक अभी जो ट्रक आपने आपके सामने है ये कहाँ से लाए, किधर ये ट्रक मिला? तेलंगाना बॉर्डर से लाए, तेलंगाना बॉर्डर से। इन लोग यहाँ से निकल चुके, पहले शेल्टर होम था इन लोगों को यहाँ रहने के लिए। ओके इन लोग यहाँ से निकल के पैदल आके ये सीधा अपना तेलंगाना बॉर्डर को आए, वहाँ हमें रुका दिए। कहाँ से आए बोले तो ये महाराष्ट्र आए बोले तो उनको रिटर्न भिजा दिए। ठीक है सर, मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा, पब्लिक ये जो रेसिडेंशियली है ये तो तेलंगाना का है, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनको संभाल रहा है, फिर भी आप तेलंगाना का नागरिक को तेलंगाना नहीं छोड़ के फिर महाराष्ट्र लाके छोड़े, इसका रीजन जानना चाहूंगा मैं। नहीं, क्वारंटाइन है ना, क्वारंटाइन सब का यहाँ रहना बोल के क्वारंटाइन है। हाँ। सब यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ किधर हरकत नहीं करना है। यस, वी दे विल स्टे हियर ओनली, सो वहाँ यहाँ से ओनली वहाँ लाए तो इधर का उधर आएगा, नहीं तो उधर का इधर आया बोल के समझे के गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ना 41-46G का तेलंगाना गवर्नमेंट है, उसका वहां से यहाँ इनको। और फॉर जस्ट योर इन्फॉर्मेशन सर, फ्रॉम प्रीवियस 15 डेज, नियर अबाउट 15 डेज वी आर फ्रॉम उमरगा पुलिस प्रशासन जो है या
महसूल प्रशासन, हमारा जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है इनको संभाल रहा है, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है यहाँ का प्लेस छोड़ के उधर निकलने के लिए आतुरता देख रहा है। फिर भी आज जो गड़ामड़े हो गए वहां तक पहुंच गए, फिर भी आप उनको वहां से यहां तक लाके छोड़ गए, बराबर है। यहाँ पे आपको लगता है कि हमारा प्रशासन कहाँ पे गलती कर रहा है? नहीं बस ऐसी गलती का किसी का गलती की नहीं, मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। ये तो जाने का कोई वो होम सिक रहता है जगह जाने का, वो इस वजह से उन लोग छिले गए, किसी की वो आंख मार के छिले गए, पैसा किसी का गलत नहीं, तो वो इनका गलत उनका गलत भी नहीं बोल सकता। नहीं सेम वही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि उमरगा पुलिस प्रशासन, उमरगा तहसील प्रशासन जो है बहुत ही इनके ऊपर निगरानी रखे, उनकी जो कुछ भी देखभाल है यानी खाना पीना सब कुछ कर रहा है, फिर भी ये लोग यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं, यहाँ पे रहने को तैयार नहीं। आज आपके इन्फॉर्मेशन फॉर जस्ट इन्फॉर्मेशन, दो दिन पहले इनको नए कपड़े भी दिए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में अगर ये तो अच्छा है उन लोगों रहना है, मगर इन लोगों का जो वो कर रहे हैं हमें कैसे बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं, इनका जो मन में क्या चल रहा है, इनका वो गवर्नमेंट का पॉलिसी, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी और गवर्नमेंट का जो चल रहा है कानून क्या चल रहा है उनको नहीं मालूम है, अवेयरनेस अवेयरनेस। ठीक है, आखिर में इतना जानना चाहूंगा आपके तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट या फिर आपके तरफ से जो पुलिस डिपार्टमेंट है आपके तरफ से कब इनको एक्सेप्ट करेगा तेलंगाना? ये लॉकडाउन उतरने के बाद नहीं एक्सेप्ट करेगा, सब आफ्टर लॉकडाउन, यानी जब तक लॉकडाउन है तब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूर्ण गड़ी। ओके, थैंक यू सर। तेलंगाना पोलीस प्रशासनाचं म्हणणं आहे की हे सर्व लोक क्वारंटाईन आहे, जे की स्पष्ट चुकीचं आहे, कारण हे लोक केवळ मजूर परिवार असून यांच्यात गेल्या 18 दिवसात कोरोना आजाराबाबत काहीच लक्षणं आढळून आली नाहीये, त्यामुळे यांना कोरोनाशी जोडणं हे कितपत योग्य आहे? ఇంకా మేము ఇక్కడ వస్తే మా పిల్లలేము హాస్టల్లో ఉండేది, ఒక నెల మేము హాస్టల్ నుండి పిల్లలు వచ్చిండ్రు, వస్తేనంటే ఇంకా ఇంట్లో తినడానికి ఏమి లేదు వాళ్ళకు, అయితే మా పిల్లలకు మేము ఇంకా ఏదైనా చూసుకుంటామని వెళ్ళి వచ్చింటిని, వెళ్ళి వస్తానంటే ఇంకా బోర్డర్ కాడ మాకు పట్టుకునేది, పట్టుకుంటే ఇక్కడ 20 దినాలు ఇంకా మేము తీస్తే ఉమ్మర్గల తీసినాక ఇంకా మాది అంతా అయిపోయింది కదా అని ఇంకా మేము వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా నడుచుకుంటా వెళ్తానంటే ఇంకా నడమనేమో ఒక బండి వచ్చే, బండి వస్తే బాట తడ మొక్కుతీమి దానికి కాళ్ళు బొగ్గులు వచ్చినావని మొక్కుతానంటే పిల్లలకు మాకు చూసి పాపం ఎక్కిపించినాక ఇంకా అక్కడ పోయినాక ఇంకా తెలంగాణ బార్డర్ లా ఇంకా మాకు పట్టుకునేది, కర్ణాటక వాళ్ళు ఇడిసి పెట్టిరి ఇంకా తెలంగాణలో పట్టుకునేది, పట్టుకున్నాక కాళ్ళు మొక్కుతీని ఎల్లు మొక్కుతీని ఇంకా మాకు బరుకు తీసుకొని కొట్టులా కొట్టిరి, కొట్టినాక ఇంకా వద్దు సార్ మీ కాళ్ళు మొక్కుతాము, పిల్లలు ఉపవాసం చేస్తుంటారు మీ కాళ్ళు మొక్కుతాం సార్ అని అంటే గిటో ఇడువా పోయి మేము కొట్టలేము ఎవరికి తిట్టలేము, మాకు కరోనా లేదు ఏమీ లేదు, మాకు దగ్గు లేదు సర్ది లేదు, ఇంకా మాకు చెక్ చేసి ఇడిచిపెట్టు సార్, మేము ఎడ గట్టులో ఉంటాము 4 దినాలు మేము ఉపవాసం ఉంటాం ఇడ గాని ఏంట పెట్టురి గాని ఏంటి తీయకురి ఇంకా అక్కడ తోలకురి సార్, ఇంకా ఇక్కడ నుంటే మాకు మా పిల్లలతో నా తోలురి అని అంటే ఇంకా మాకు తిట్టి కొట్టి లేపి లేపి గాడిలో పారేసి ఇంకా ఇక్కడ తోలిచ్చిరి, మాకు తోలిచ్చినాకని అని త్యాంచా జే మాతృభాష హే తమిళ త్యాంచా మాతృభాషతో త్యాంచా తెలంగాణ ప్రశాసనాలో తిని వినంతీ కెలిలి ఆయే, या ठिकाणी आवर्जून मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की तेलंगणा प्रशासनाने तत्परतेने यांची यांच्याकडे बारकाईने नजर घेऊन यांची जे काही मनस्थिती यांचा विचार करून आणि आवर्जून या ठिकाणी आणखी एक मुद्दा अवश्य या ठिकाणी मांडतो की हे जे काही आहेत हे केवळ एक मुंबईहून आलेले मजूर आहेत, रोजगारी हातावरचं पोट असणारे हे लोक आहेत, या ठिकाणी यांची व्यवस्था तर होत आहे, फक्त त्यांचे जे मुलं बाळ आहेत त्यांच्या घरी त्यांची यांना काळजी लागून राहिले, त्यामुळे ते खूपच इमोशनल आणि भावुक झालेले आहेत।
त्यामुळे तेलंगणा प्रशासनाने तत्परतेने त्यांना स्वीकारावं एवढीच या ठिकाणी तेलंगणा प्रशासनाला मी अनेकदा विनंती करू इच्छितो. एनटीव्ही न्यूज मराठी प्रतिनिधी सचिन बिद्री, एनटीव्ही न्यूज मराठी, उमरगा, उस्मानाबाद.